तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं। मेरा कंप्यूटर यूपीएस से कनेक्टेड है, तो सबसे पहले उससे स्टार्ट करते हैं। सीपीयू को स्टार्ट करते हैं। ये जो स्क्रीन दिख रही है इसे हम डेस्कटॉप कहते हैं, और ये जो ये सारी चीजें आइकन्स कहलाती है। आइकन्स कई, जैसे आइकन्स में फाइल हो सकते हैं, ये फोल्डर हो सकते हैं, या कोई प्रोग्राम हो सकते हैं। इनके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले हम माउस के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसके पीछे रेड लाइट जलती है और ये वर्क करता है लाइटिंग के अकॉर्डिंग। जैसे ये पॉइंटर घूम रहा है, मैं माउस को घुमा रही हूँ और ये स्क्रीन पर ये पॉइंटर भी घूम रहा है। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूँ, ये माउस है, इसके ये तीन बटन होते हैं, ये राइट क्लिक, ये लेफ्ट क्लिक और ये स्क्रॉल बटन। जैसे घूम रहा है ना, ये ऊपर नीचे करने के काम आता है। सबसे ज्यादा यूज लेफ्ट क्लिक का होता है, लेफ्ट बटन का। जैसे अगर हमें सी को इन आइकन में से ओपन करना है, जैसे हम कंप्यूटर को ओपन करते हैं, तो हमें लेफ्ट क्लिक को दो बार दबाना होगा तो ये ओपन हो जाएगा। ये ओपन हो गया। एक बार फिर से करके दिखाती हूँ। ये मैंने इसे दो बार डबल क्लिक किया तो ये कंप्यूटर का ओपन हो गया। और जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, जिसको माउस यूज़ करना नहीं आता, मैं आज उसके लिए बता देती हूँ कि उन्हें माउस कैसे यूज़ करना है। ये माउस है ना, एक तरह से आप मान सकते हो कि छोटा बच्चा पेंसिल कैसे चलाना सीखता है, वैसे आज आपको माउस के लिए पेंसिल चलाना, ये एक तरह की पेंसिल है समझ लो, आपको इससे चलाना सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसे चलाना सीखने के लिए ये स्टार्ट मेन्यू है, ये नीचे जो लाइन दिख रही है उसे टास्क बार कहते हैं। ये है स्टार्ट मेन्यू। सबसे पहले आपको ये स्टार्ट मेन्यू दिख रहा होगा, आपको ये स्टार्ट मेन्यू, स्टार्ट मेन्यू में आपको जाना पड़ेगा। स्टार्ट मेन्यू में जाने के लिए आपको से डबल क्लिक करना पड़ेगा। के बाद ये पेंट दिख रहा होगा आपको, पेंट इसमें जाइए और पेंट में आपको ये रहा, ये पॉइंटर मैं लेके जा रही हूँ, ये पेंसिल जैसा कुछ दिख रहा है, ये पेंसिल लीजिए और ये पॉइंटर पेंसिल में चेंज हो गई और ये माउस की सहायता से आप चलाइए। जैसे ये माउस को मैं घुमा रही हूँ, आप देख पा रहे हैं, मैं माउस को घुमा रही हूँ, आप देख सकते होंगे मैं माउस को घुमा रही हूँ और ये सिर्फ घूम रहा है, लिख नहीं रहा है कुछ। तो ये पेंसिल आपने जो ली है, जो राइट बट लेफ्ट क्लिक मैंने आपको सिखाया था ना, उस अकॉर्डिंग इसको दबा के चलाना पड़ेगा। दबा के
लिखोगे तो ये देखो कुछ ना कुछ लिखा जाएगा, जैसे फर्स्ट क्लास में कैसे ए बी सी डी सीखते थे, आप ट्राई कर सकते हैं, ए लिखें बी लिखें, आपकी पकड़ माउस पर होगी तभी आप कंप्यूटर चला पाएंगे। ये उनके लिए नहीं है जिनको माउस चलाना आता है, ये उनके लिए है जिनको कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं आता। तो आज के लिए बस इतना ही, जिनको माउस चलाना नहीं आता वो प्रैक्टिस कीजिए, और जिनको माउस चलाना आता है वो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। डोंट सेव